इतने शुभ दिन जब आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरुपूर्व है, ऐसे दिन मेरे प्रधानमंत्री एक बार फिर मेरे संसदीय क्षेत्र जहां से 10 सालों तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है और जिसका आज की तारीख में बखूबी बहुत बेहतर तरीके से जिसका प्रतिनिधित्व अरुण भारती जी कर रहे हैं, जमुई प्रधानमंत्री जी का आना हुआ। जमुई बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता, लोकसभा भी, ऐसे में लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री जल्दी जमुई जाता नहीं था। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो वो 3 बार वहां पर जा चुके हैं। पिछले 7 महीने में ही वो दूसरी बार अभी चुनाव प्रचार के लिए आए थे, एक बार फिर आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का प्यार जमुई वासियों के प्रति तो है ही, बिहारियों के प्रति भी। 48 घंटे में दूसरी बार, कल दरभंगा में थे परसों और आज जमुई में थे। पर साथ ही साथ ये मोदी की वो गारंटी है जो जिसने जनता का विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया है, उस गारंटी को पूरा करना, एक एक वादे को जो लोकसभा के वक्त मेरे प्रधानमंत्री ने किए थे, उन वादों को एक एक करके मेरे प्रधानमंत्री पूरा करने का काम कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे, लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि की परियोजनाओं का कल शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आज 6,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जमुई में किया गया। तो ये उन वादों को पूरा मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें डबल इंजन सरकार की वो खूबसूरती दिखती है। जहां केंद्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री, तो वहीं बिहार के स्तर पर एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। डबल इंजन की सरकार वो सहजता देती है कि बड़ी से बड़ी परियोजनाएं सरलता से धरातल पर उतर सके। मैं मानता हूं आने वाले समय में विकसित देश का लक्ष्य जो मेरे प्रधानमंत्री लेकर चले, उसमें विकसित बिहार की भी एक अहम भूमिका है, जिसके निर्माण में मेरे प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस भी है, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर जिस भव्य आयोजन आज देश भर में किया गया, अलग अलग राज्यों में किया गया, और जनजातीय समाज को जिस तरीके से मुख्य धारा के साथ विरासत के साथ विकास भी, उनके मूल स्वरूप को का संरक्षण करते हुए उनको विकास के साथ कैसे जोड़ा जा सके, ये सोच मेरे प्रधानमंत्री की है। ये इन्हीं की सोच का ही नतीजा है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर है। ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि ऐसे वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।